राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस के 16 अफसर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में अधिकारी बनकर देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनेंगे। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर यूपीएससी में 13 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी। बता दें कि बोर्ड बैठक में इनके प्रमोशन पर मुहर लगेगी। राजस्थान में 1996 और 97 बैच के इन अफसरों के नाम के चयन पर विचार के लिए ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएस उषा शर्मा और प्रमुख सचिव हेमंत गेरा के साथ एसीएस वीनू गुप्ता भी शामिल होंगी। इससे राजस्थान कैडर में आईएएस का कुनबा बढ़ने की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। राजस्थान के 16 ऐसे आरएएस ऑफिसर जिनका अब आईएएस के लिए चयन होगा, जिसके साथ अब राजस्थान में जो है आईएएस का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। यूपीएससी में इसको लेकर 13 जून को जो है बैठक आयोजित की जाएगी। उस बोर्ड बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा शामिल होंगी, एसीएस वीनू गुप्ता शामिल होंगी और वहां पर जो है इन 16 आईएएस के नाम पर मुहर लग सकती है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, राजस्थान के 16 आरएएस जो कि अब आईएएस बनने की डगर पर से कुछ ही कदम दूर है, कुछ ही देर में जो है बैठक होगी, उसके बाद जो है नामों पर मुहर लगने की संभावना है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज जो है यूपीएससी में जो है बैठक होगी, जिसमें जितने भी आरएएस ऑफिसर हैं उनको आईएएस ऑफिसर के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। हालांकि बात करें तो इस बैठक में तमाम सीनियर अफसर होंगे। वहीं राजस्थान की अगर बात करें केवल, तो राजस्थान के 16 आरएएस ऑफिसर का प्रमोशन होगा और आरएएस की बजाय अब वो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। हालांकि अब से कुछ ही देर में जो है यूपीएससी बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम अफसर होंगे, तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे। उन ऑफिसर्स के बीच में जो है ये पूरी बैठक होगी, जिसमें प्रमोशन किया जाएगा। तमाम जो आरएएस ऑफिसर हैं जिनका जो है वर्क सिनेरियो अच्छा रहा, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसको मद्देनजर रखते हुए आरएएस ऑफिसर्स को जो है आईएएस ऑफिसर्स के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान के 16 आरएएस ऑफिसर्स हैं जिनको आईएएस ऑफिसर के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल कनिका, देखिए पहले भी सच बेधड़क ने एक खबर चलाई थी कि राजस्थान में जो है आईएएस के रिक्त पदों को लेकर, और ऐसे में राजस्थान के लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि जो 16 आरएएस है उन्हें क्रमोन्नत करके अब आईएएस बना दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, इससे पहले भी हम लगातार दिखा चुके थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से आईएएस पदों की जो है खबर देखी थी, बातें देखी थी। वही दूसरी ओर आपने जिस बात का जिक्र किया कि आरएएस ऑफिसर्स को अब आईएएस में जो अगर हम बात करें तो हर चीज के मद्देनजर जो है एक प्रोसीजर होगा और एक प्रमोशन के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान को नए 16 आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पे खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। अभी देखना होगा कि जितने भी आरएएस ऑफिसर जो की बात कर रहे हैं जिनको आईएएस में प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, बिकॉज आरएएस ऑफिसर की परफॉर्मेंस के बेस पे ही उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। तो अब इसमें जो है राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं होती है उसमें भी कहीं ना कहीं ध्यान देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो है यूपीएससी बोर्ड की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जो है 16 आरएएस अधिकारी जिन्हें आईएएस में क्रमोन्नत किया जाएगा उनके नाम पर मुहर लग सकती है, और इसी के साथ राजस्थान में जो है आईएएस का कुनबा यहां पर बढ़ता नजर आएगा।